लोग कैसे हैं? उम्मीद आपको ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। रमज़ान आज माशाल्लाह 27वीं शब है, इबादत की रात। आप लोग भी इबादत करें। और आज मैं बनाने लगी हूँ दाल, तो मैं आपको रेसिपी शेयर करूँगी दाल की। तो चलते हैं और दाल बनाते हैं। एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। आपने सब्सक्राइबर्स मेरे बड़े हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। जो जो जिन्होंने सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़ाए हैं उनको थैंक यू सपोर्ट के लिए। तो चलते हैं दाल बनाते। सो मैं सबसे पहले काटूंगी प्याज। मैं तो दाल में प्याज डालती हूँ, मसाला वसाला भून के, तो दाल बहुत अच्छी बनती है। कुछ लोग होते हैं जो पहले दाल को उबाल के फिर बनाते हैं, तो मैं तो पहले पहले मसाला भूनती हूँ और आपको मैं दिखाती हूँ। तो चलो चलते हैं, इसको काटते हैं और आपको भी दिखाती हूँ। सो मैं बनाने काटने लगी हूँ प्याज और मैंने सोचा कि नाश्ते दिखाऊँ। तो मैं प्याज काटने लगी हूँ। मैं कैमरा अटका रही थी क्योंकि मैं दोनों हाथ से काटती तो फिर बनाए नहीं जाते। सो मैंने इनको छील लिया है और ये ना कचरा है इसका थैली में, तो हमें इसको काट के आपको मिलते हैं। सो गाइस मैंने प्याज काट ली है और आपको मैं दिखाती हूँ। मैंने प्याज काट ली है, बस ज़रा से रखते हैं और मेरी वाले आँख दोनों बहुत जल रही हैं। प्याज काटो तो आँखें तो ज़रूर ही जलती हैं। चले बनाते हैं और आप लोग एंड तक वीडियो देखते हैं। और मैंने छिलके ये टमाटर भी काट रही हूँ, दो टमाटर और दो प्याज थे। चले देखते हैं। सो ये सारी चीज़ें मैंने तैयार रख दी हैं, तेल वगैरह सब, प्याज टमाटर भी मैंने काट दिए हैं और ये देखिए भी रही, तो हम बनाते हैं, रेडी करते हैं। तो सबसे पहले हम चूल्हा जलाते हैं और तो तेल डाल के आपको मिलते हैं। सो हमने तेल डाल दिया है, आपको दिख रहा होगा। तो अब हम डालेंगे प्याज। एक हाथ से ब्लॉग बन रहा है और एक हाथ से खाना बना रही हूँ। इतना मुश्किल काम है ना ये। हो गए, डाल दिए और हम चम्मच से हिलाएंगे। तो मैं ये चम्मच ले आई हूँ और मैं इसको मिक्स करते हैं। मेरी तरह भी ट्राई करें, दाल बहुत मज़े की बनती है, मैं बहुत मज़े की बनाती हूँ। दाल से मिक्स कर रहे हैं और इसके बाद डालेंगे टमाटर। ये भून लेती हूँ हल्के से ब्राउन गुलाबी रंग। सो ये देखिए, और अब मैं डालने लगी हूँ प्याज। थोड़े से गोल्डन हो गए हैं, आपको दिख रहे होंगे। और मैं अदरक लहसुन डाल दूँ एक चम्मच और हम इसको अब मिक्स करते हैं। आप लोग बोलते होंगे कि मैं दाल ही क्यों बनाती हूँ, तो मैंने दाल ही सीखी है, आता तो सब है, तो मैंने यूट्यूब की मदद से सीखा है सब कुछ।
थोड़ा आता है तो मैं और वीडियोस डालती रहूँगी। ज़्यादातर मैं दाल ही बनाती हूँ। दाल तो अब मुझे इतनी पता चल गई कि क्या क्या डालना है खुद से। और अब मैं डालने वाली हूँ ये टमाटर, और अब मिक्स करते हैं। और ये मेरे भाई आ गया सुबान, जो कि मैंने आपको बताया था रोज़ा रखा था सुबान तरावियों से आया, आज आखिरी तरावी थी। और मैं अब दाल बना रही हूँ। दाल कैसी बनाती हूँ सुबान? अच्छी बनाती हूँ मैं दाल, अच्छी बनाती हूँ। चले भाई, मेरे भाई ने भी बता दिया। सो इसके बाद यहाँ पे मसाले डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और थोड़ा सा पानी रखा क्योंकि मसाला फिर लगता है, और नमक ये डालेंगे, और ज़ीरा तो एंड में डलता है जब तड़का लगता है तो। और ये रही दाल, तो मैं अभी ये देखिए कलर कितना अच्छा हो गया है, टमाटर भी गल गए हैं। तो अब हम थोड़ा सा डाल देंगे पानी ताकि फिर हम मसाले डालें तो सालन लगे ना। थोड़ा सा हम डाल देंगे पानी, मैंने एक बार खिचड़ी भी बनाई थी तो उसकी भी रेसिपी मैंने आपको शेयर की थी। तो ये हम डाल देते हैं एक चम्मच लाल मिर्च, एक या डेढ़ चम्मच, जो तेज़ होंगी तो वो आप एक ही चम्मच डाल दें। ये डाल दी और हम हल्की सी हल्दी डाल देंगे, हल्दी बहुत कम डलती है। और हम डाल देंगे हसबे जायका नमक, जितनी भी डालें आप चम्मच, ये रहा नमक। हम कर देंगे मिक्स। जो जो ऐसे दाल बनाता है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये शदीद पसीना आ चुका है, खाना बनाते ही होता है। और यहाँ पे बन रही है, और आप लोग बताएं कि ईद कब है, हमें तो लग रहा है ईद हफ्ते की पड़ी तो आप लोग। और ये दाल, इतनी दाल बनती है क्योंकि इतना कोई खाता नहीं है, मेरे हाथ की तो दाल सबको ही पसंद है। तो हम ये दाल डाल लेते हैं मसाले में, और मैं दाल मसाले में दाल डाल के ना उसको भी मैं थोड़ा सा भूनती हूँ, ये देखिए, ताकि मसाला सारा दाल में आ जाए। और इसके बाद हम डाल देंगे पानी और उसको दम पे रख देंगे। जब फाइनल लुक होगी तो हमने दिखाते हैं। अभी हम डालते हैं पानी, पानी आप अपनी मर्जी से भी डाल सकते हैं। तो मैंने पानी डाल दिया है, आपको नज़र आ रहा होगा मैंने ये वाले 7 कप डाले हैं। तो अब इस पे ढक्कन रखते हैं, यहाँ देखिए कितना गंद फैल गया है, तो ये भी साफ़ करना है। और इस पे ढक्कन रखते हैं और इसको गलने के लिए छोड़ देते हैं। बाद में चेक करती रहती हूँ गलने का चूल्हा इसको, तो तेज़ी रखेंगे ना। हाँ चलेंगे, जब इसका फाइनल लुक दिखाएंगे हम लोग ये साफ़ करके। सो मैं दाल वाल चढ़ा के ना गई कमरे में, और एसी चल रहा है, कब से गर्मी में थी तो अब मैं आ गई हूँ, और जब बन जाएगी तो आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। तो अब मैं खा रही हूँ बिरयानी, मैंने मंगाई है, मुझे भूख लगी थी, दाल चढ़ाई हुई, और ताहा के लिए मैंने बना लिया फ्रेंच फ्राइज। और ये रहा ताहा, बनाए तो मैंने ना, ताहा खा रहा है, और मैं भी बिरयानी खा रही हूँ। तो फाइनली दाल बन चुकी है, और कितनी मज़े की लग रही है, देखिए कलर फाइनल लुक। हमने तड़का भी लगा दिया है, देखिए। सो फाइनली मैंने कमरा भी साफ़ कर लिया, और मैंने एसी भी चला दिया, और नीचे हो ना इग्नोर करें एसी ठंडा,
बहुत गर्मी है आजकल, मैंने कमरा भी साफ़ कर लिया है। चलिए अब मैं नहाती हूँ और फिर इबादत करते हैं हम लोग। आज 27वीं शब है। सो गाइस, मैंने नहा लिया और नमाज़ वमाज़ पढ़ी और मैं तस्बीह पढ़ने लगी हूँ। तो ये मैंने सोचा ब्लॉग को एंड कर लूँ और मैंने इसे चलाया हुआ, ठंडा हो रहा है फुल कमरा। तो अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक और फाइव शेयर ज़रूर, और मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएँ ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलें, मजाक किया और जो भी रूटीन मिलते रहें, तो आप सब्सक्राइबर्स ज़्यादा कर दें। और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं, बाय।